डायनो तो खेल रहा है पबजी। आई एम नॉट ऑन दोस चीप कैटेगरी कि मैं जस्ट फॉर व्यूअरशिप एंड ऑडियंस के लिए कुछ भी करूंगा। बोल दो कि सलमान अहमद तुम्हारा बाप है, सलमान अहमद ने तुम्हें पैदा किया है, तो मैं ओके सो वेलकम टू ऑल इन वन गेमर गाइस। इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही है? बाइक वाला आया, ठोक के चला गया, मेरा पैर टूट गया है एंड मैं अभी बेड पे लेटा हुआ हूँ, बट स्टिल वीडियो आएगी आज चैनल पे, आज ही अपलोड कर दूंगा। सो कोई नहीं, शुरू करते हैं जल्दी से आज की वीडियो के साथ। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हस्तर को लेकर के। सो हस्तर ने वैलोरेंट में एक चैलेंज रखा था और हस्तर ने ये भी बोला था अगर वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते हैं सो वो अपने आप को गंजा कर देंगे। एंड यस, वही सेम चीज़ होती है, हस्तर वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाते हैं और उन्होंने अपने आप को पूरा गंजा कर लिया है। इस चीज़ को पेन फिक्सेस ने भी अप्रिशिएट किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अब सेकंड बात कर लेते हैं मांबा को लेकर के। सो मांबा अपनी स्ट्रीम में बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि जो जनता थी उनके जो स्ट्रीम में स्पैम करी जा रही थी पबजी केआर एंड जो पीसी गेम्स जो मांबा खेल रहे थे वो खेलने के लिए मांबा को हेड भी मिल रहा था। सो मांबा को ये भी पूछा गया कि आप पबजी केआर नहीं खेल रहे हो बट डायनमो तो खेल रहा है, फिर आप क्यों नहीं खेलते हो? सो इस चीज़ का भी मांबा ने रिप्लाई दिया अपनी लाइव स्ट्रीम में। सो उसमें से छोटी सी क्लिप आपकी स्क्रीन पे ये रही। मॉर्टल इज सो काम एंड सोबर, एवरीबडी इज नॉट द सेम। ठीक है, तुम्हारे जैसे तुमने मतलब तुम्हारे जैसी शक्ल के इस दुनिया में सारे लोग हैं क्या? आई एम मी, वॉच मी फॉर मांबा, आई एम मांबा, ठीक है ना? डायनो तो खेल रहा है पबजी, भाई जिसको जो खेलना है खेले भाई, दुनिया में तो लोग चोरी भी करते हैं, तो क्या मैं भी चोरी करने लग जाऊं? आप भी चोरी करने लग जाओ फिर। तो क्यों किटकैट खेल रही है स्क्रीम, अब खेल ली एक सर मार के आए हो क्या दीवार में? जब पबजी अनबैन होने का न्यूज आया था तो भाई तो अपने लड़के कैसे बताऊं, जब अनबैन होने का न्यूज था भाई आज रात में आएगा, कल रात में आएगा, कल सुबह आएगा 12 बजे, यही सब सुन रहे थे ना लोग, यही बता रहे थे ना, ऐसी बेटिंग चल रही थी ना। तो भाई हम अपने लड़के भी तो कॉम्पिटिटिव खेल ले तो वो क्या तब शुरू करते जबकि सारी टीमें प्रैक्टिस कर रही होती? तो उन्होंने ये सोच के कि भाई कॉम्पिटिटिव शुरू होने वाला है, गेम आने वाला है, उन्होंने प्रैक्टिस करा। जब ये पता चला कि फरवरी मार्च में दोबारा अब फरवरी मार्च में आएगा तो छोड़ दिया। अब देख रहे हो कहीं किटकैट पिटकैट को? सांगवान भी खेल रहा, सांगवान जो है कहाँ से खेल रहा है बताओ? सोल में है, इटबिट में है, कहाँ पे ठेका लिया है क्या? I'm not playing cause it's not unbanned officially. The global version is not unbanned by the government. Till the time it is not unbanned, I won't be playing it. I am not on those cheap category कि मैं just for viewership and audience के लिए कुछ भी करूँगा। अगर नहीं हुआ है, if it is banned, तो banned हुआ है for a reason ना। तो gaming भाई it's just not one thing. अपने horizons को बढ़ाओ if you want to enter gaming. If you want to enter PUBG Mobile, तुम गांड घिस रहे हो, क्या पता तुम्हारा PUBG Mobile तुम्हारा genre ही ना हो, क्या पता तुम एक दिन COC try करो and you become the best COC player in India, जो कि फिर भी still accepted game है अभी community में, उसका सब अपने सारे लॉन्डे खेलते हैं उसके, competitive Rebel, Snacks, फलाना, डिमाका, Mortal, Zeref, क्या घातक वगैरह सब लोग खेलते हैं उसका, कॉम्पिटिटिव लोगों की नज़र में आ रहा है, तब तो वो खेलने पे बोलते हैं पबजी खेलो। स्ट्रीमर्स दो तरीके के होते हैं, एक एंटरटेनिंग होते हैं, एक बहुत ही गदर प्लेयर होते हैं। दो एग्जांपल देता हूँ, श्राउड को ले लो, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को ले लो। श्राउड स्किल सेट के मामले में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट एंटरटेनमेंट के मामले में उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, ठीक है? दोनों के पास ऑडियंस है, दोनों तरीके की ऑडियंस, जिस तरीके का मूड होगा वहां जा सकती है। उनको गेम प्ले का मूड है, दे कैन गो टू श्राउड। उनको एंटरटेनमेंट का मूड है, दे कैन गो टू डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट। समझ रहे हो? देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। कैरी को देख लो, कैरी स्ट्रीम करता है कितने, 25,000-30,000 लोग देखते थे ना, अब भी देखते हैं। माइनक्राफ्ट खेल रहा था वो, जब पबजी खेलता था तब भी देखते थे उसको, अभी जब सीओडी वॉरजोन खेल रहा था तब भी 7,000-8,000-10,000-11,000 लोग देखते हैं उसको। क्यों? वो ऐसा तो नहीं है कि वो वन ऑफ वो इंडिया का बेस्ट गेमर है, बट ही इज दी वन ऑफ दी बेस्ट एंटरटेनर्स इन इंडिया। एंटरटेन होने जाते हैं लोग, सिंपल सी बात है यार, आज बता रहा हूँ। क्लिप कर लो ये चीज, जिस दिन पबजी रिलीज होगा ना उसके 2 हफ्ते बाद तक का रिजल्ट देख लेना। मैं जो बोल रहा हूँ
स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट, मॉड्स या कोई भी रिकॉर्ड कर लो, रख लो। क्या तारीख है? 27 दिसंबर, ठीक है। पबजी नहीं है आजकल, देर इज नो टॉक्सिसिटी, कोई यूट्यूब पे टॉक्सिसिटी नहीं दिखती, कोई आड़ी तिरछी बातें बोलने वाला नहीं है यूट्यूब पे, कोई किसी दूसरे गेमर, किसी दूसरे स्ट्रीमर, किसी को कुछ आड़ा तिरछा बोलने वाला नहीं है आजकल। नहीं, क्यों? पबजी नहीं है। जिस दिन पबजी आ जाएगा देखना, सब बजना स्टार्ट कर देंगे, देख लेना तुम। इमेजिन द टाइम पबजी लौटे, पबजी भी स्ट्रीम हो रही है, एवरी नाउ एंड देन वैलोरेंट स्ट्रीम हो रहा है, सीओडी वॉर जोन हो रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस हो रहा है, ब्रॉल स्टार्स हो रहा है। ओए मेरा ओपिनियन भी सुनो अब, मैं न्यूज़ चैनल हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, तो सुनो अब भाई। देखो पबजी के आर को जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं वो तो चलो उनको खेलने दो, उनकी मर्जी है, बट जो नहीं खेल रहे हैं, जो पीसी गेम्स खेल रहे हैं, जो सीओडी मोबाइल खेल रहे हैं, वो पबजी के आर को एज इलीगल शो कर रहे हैं। बट यही चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पबजी के आर किसी भी एंगल से इलीगल नहीं है। अगर वो इलीगल होता सो गवर्नमेंट बैन कर देती, और पबजी के आर तो इंडिया में रिलीज़ भी नहीं हुआ है। एंड यस मामा ने बहुत सही बात कही है कि जितनी की भी वॉचिंग आती हो पीसी की गेम्स, अगर कोई बंदा खेल रहा हो, 1000 की वॉचिंग आती हो या सिर्फ 2000 की वॉचिंग आती हो, उसमें हेट स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि जो पीसी गेमर्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत मेच्योर है, वहाँ पे आपको 1% भी हेट देखने को नहीं मिलेगी। चलो अब थोड़े गेमिंग समाचार सुन लो। मॉर्टल वर्सेस स्काउट सीओटी मोबाइल में 5v5 होने वाला है आज उनके चैनल में, शायद ये जब तक वीडियो आए जब तक तो हो भी चुका होगा कब का। एंड यस उसको मिस मत करना, अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड, एंड अगर आपने नहीं देखा है सो शायद मॉर्टल और स्काउट के दोनों के चैनल में वो स्ट्रीम अवेलेबल रहेगी। सो साइबर 2077 के जो रिफंड थे प्ले स्टेशन की तरफ से, उसको अभी शायद डिले कर दिया गया है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे ट्वीट किए जा रहे थे कि भाई हमें रिफंड दे दो, रिफंड दे दो, एंड प्ले स्टेशन सबको रिप्लाई भी दे रहा था। बट अभी बात ये है कि सबको रिफंड मिलने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। एंड ये साइबर पंक 2077 पीसी में तो ठीक चल रही है, पता नहीं लोग क्यों अफवाह चला रहे हैं। चलो बे समाचार ख़त्म हो चुके हैं, एंड मैं आपको बता दूं हमारे एक सब्सक्राइबर है साइलेंट गेमर, उनका जो चैनल का लिंक है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है या तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस उन्होंने मेरे को एज अ सब्सक्राइबर बोला था शाउट आउट के लिए, सो उनके जो चैनल का लिंक है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको उनके जो मॉन्टाजेस है वो पसंद आती है सो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट।